नमस्कार, मैं हूं संदीप सिन्हा और आप देख रहे हैं जुर्म। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दोहरे कत्ल की एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात जो दोस्ती से शुरू हुई, प्यार के साथ परवान चढ़ी और धोखे के साथ खत्म हुई। कहीं ऐसा ना हो जमीन भी ना रहे। दोनों माँ बेटे को समझाया ना कितनी बार, निकल जाओ इस शहर से। मुझे उन लोग का बहुत टेंशन रहता है। सुनीता, जी हाँ, ये नाम है एक ऐसी महिला का जिसे हालातों ने मारा और अपनों ने रुसवा किया। 3 बच्चों की माँ सुनीता अपने परिवार के साथ खुश थी। एक ही सपना था उसका, उसके बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बने और बेहतर जिंदगी बसर करें। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुनीता के पति का देहांत हो चुका था और सुनीता के सामने आई जिंदगी की वो कड़वी हकीकत जिसका सामना उसे अब अकेले ही करना था। पड़ोसी के ताने और जमाने की बेरुखी के बावजूद भी सुनीता ने हिम्मत नहीं हारी। ए विश्वा, ये जो जमीन देख रहा है ना, यहाँ से वहाँ तक सब अपनी है। ए जमीन, जमीन को देखो, उस जमीन का मालिक आ रहा है। ए सोनू, इधर आ। सुन, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने परिवार को समझा दे, ये जो जमीन है ना, ये मेरी है। ये जो जमीन है ना, इसके चक्कर में ना पड़े बिल्कुल भी, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो जमीन भी ना रहे और परिवार से भी हाथ धोना पड़े। जो बात करनी है मेरी माँ से कर लेना, और वैसे भी माँ ने कहा बुरे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, बहुत जवान चलने लगी छोटू की। चल ठीक है, जा चल, हाँ, जा ही रहा हूँ। चल खोल ले। आप एक बार याद रखो कि जो जमीन है उस जमीन के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दो, नहीं तो अपनी जान से जाओगे। सुनीता की एक बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन अपनी बड़ी बेटी से मिलने सुनीता उसके घर गई, लेकिन उसे गुमान भी नहीं था कि वापस लौटने पर उसका सब कुछ छिन जाएगा। पड़ोसियों का बहुत टेंशन रहता है, इतने नालायक लोग हैं वो लोग, और तुम लोग बात को समझते ही नहीं हो कि मुझे कितना टेंशन रहता है। चलो देखते हैं तुम्हारी दीदी कब तक आती है, फिर उनको लेके जाना पड़ेगा। क्या बात है मम्मी, कहाँ जल्दी आ रही है? हाँ सुना बेटा, हमको दीदी क्या जाना है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं नहीं जा रही। बेटा तुम लोग समझते क्यों नहीं, मुझे उन लोग का बहुत टेंशन रहता है, वो लोग कितनी धमकी देते हैं। मैं ध्यान रख लूं। तुम ना तो छोटे हो, तुम लोग क्या ध्यान रखोगे, वो लोग हमेशा जान से मारने की धमकी देते हैं ना तुम लोग। कुछ नहीं होगा, कितना टेंशन है, क्यों घूम रहे हो? चलो ना, फिर एक काम करो, तुम लोग ध्यान रखना, मुझे जाना बहुत जरूरी है, मैं जा रही हूँ। सोनी पर ध्यान रखना और जिससे सब रखना मेरी मम्मी, ठीक है? और वो पड़ोसियों की बातों में बिल्कुल मत आना, ठीक है? बिल्कुल। चलो ठीक है, बाय बाय। जल्दी आ रहा
सोओगी कब तुम? थोड़ी देर में सो लूंगी। अभी बोला ना सोने के लिए, तो अभी सोगी थोड़ी देर में सोगी? आप नहीं सो रही अभी? कितना उल्टा मुझे उधर हमारा बोले सोलह तो सो जाओ, उठो और सो। जी हाँ, सुनीता जब वापस लौटी तो घर में उसे मिली अपनी बेटी और बेटे की लाश। मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस दोहरे कत्ल की खबर मिलते ही पुलिस भी मौकाए वारदात पर पहुंची और शुरुआती जांच में उसे यकीन हो जाता है कि ये कत्ल चोरी या डकैती की वजह से नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। आप बताइए।
और जांच बढ़ने के साथ ही परत दर परत इस हत्याकांड से पर्दा उठता चला जाता है। जिसने कत्ल किया था वो था सुनीता की छोटी बेटी का प्रेमी अजय, जिसके प्यार में सुनीता की बेटी दीवानी थी और उसकी दीवानगी ही उसकी मौत की वजह बनी। बता जल्दी बराबर। साहब मैंने ही माना साहब, साहब बस धमकी देते थे उसको, बस बस धमकी देते थे। बाकी वो रमेश से पूछ लो सर, रमेश था। मारा नहीं तूने? नहीं सर मैंने नहीं मारा सर, रमेश से पूछ लो सर। जाओ इसको लेके जाओ, रमेश को ले जाओ। बता तूने मारा था? नहीं साहब। आप मैं कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं हूँ सर इस केस में। सर आप राजेश से पूछ लीजिए सर, वो उसके परिवार में सोनाली, उसके भाई बहन सबको जानता था, पूरा परिवार जानता है सर, पूरा गांव जानता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन इस तरीके का मैं नहीं कर सकता। हम केवल उनके परिवार को डरा के रखते थे सर, ताकि हम उनकी जमीन पे कब्जा कर सके और वो यहाँ से निकल जाए। पता तो लगा कि तूने करा, तू पड़ोसी था ना उसका? नहीं सर मैं नहीं कर रहा सर। अगर आपने कभी भी सर मुझे आपकी इंक्वायरी में मेरा नाम आए तो आप जब बोलेंगे मैं खुद सरेंडर कर दूंगा सर। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को अरेस्ट किया लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद अजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। देख अच्छे से बता दे, मुझे पता है कि तेरा सोनाली के साथ में कुछ लफड़ा था, समझा ना? सर। बता दे। सर क्या रहा? सोनाली को मैं जानता था, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और मैंने उसके कुछ ऐसा नहीं किया था सर, लेकिन है ना वो ही मेरे पीछे पड़ी थी। वो मेरे को बार बार है ना शादी का बोलती थी और मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि पूरे गांव वालों में ना वो मेरे को ये बोलती थी कि मैं तेरे बारे में सबको बता दूंगी बस, और कुछ नहीं होता। तो मैंने इस चक्कर में उसको मार दिया। मैंने बोला ना अभी मिलना है। देखो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ, चुपचाप आ जा। बोला ना? बिल्कुल। सर मैं उसके घर गया था, उसको समझाने, लेकिन वो नहीं समझी। उसकी माँ भी नहीं थी घर पे, इसलिए मेरे को उसको मारना पड़ा। मैं नहीं चाह रहा था मारना उसको। अरे तो जब तू नहीं मारा था तो उसके भाई को क्यों मारा तुमने?
सर मैं उसके भाई को भी नहीं मारता, लेकिन उसके भाई ने मेरे को देख लिया था उससे मारते हुए, इसलिए मेरे को उसके भाई को भी मारना पड़ा। और कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। यार मैं क्या करूँ यार, मैं तुम्हें बोलूँ तुम मुझे बहुत मजबूर कर रहे हो। उनकी मर्जी, जब बोला जाए आओ, आ जाए तो आ जाए। मैं नहीं आ सकता बार बार, मैंने बोला ना। धमकी मत दो, छोड़ो। सर बस यही है, मैंने और कुछ नहीं। मैं क्या सोचा था कि तू आराम से आसानी से बच जाएगा। पुलिस क्या जुर्म की इस दास्तां में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ, तब तक रहिए होशियार। जय हिंद।